नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल इंग्लिश विद सचिन चौधरी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहद ख़ास वीडियो। जी हाँ दोस्तों, ये सीरीज़ हमने जो शुरू की थी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की MCQs क्वेश्चंस की एक सीरीज़ हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस सीरीज़ में हम पहले दो वीडियो पोस्ट कर चुके हैं। दिस इज़ अवर थर्ड वीडियो इन द सीरीज़ द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। वी आर कवरिंग MCQs क्वेश्चन इन दिस सीरीज़। जी हाँ दोस्तों, हम MCQs क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। हम इससे पहले दो वीडियोज़ विक्टोरियन एज और रोमांटिक एज पर हम लेकर आ चुके हैं। दोस्तों ये हमारी जो थर्ड वीडियो है एलिजाबेथन एज पे है। चलिए बिना किसी समय को गवाए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं एलिजाबेथन एज और द एज ऑफ शेक्सपियर। ये दोनों ही टाइम पीरियड जो हैं जी, या तो इसे हम एज ऑफ शेक्सपियर भी कहते हैं और एलिजाबेथन एज भी कहते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है दोस्तों वो नोट कर लेते हैं, 1558 to 1603। जी हाँ दोस्तों, इट शुड बी क्लियर द टाइम लाइन ऑफ द एलिजाबेथन एज इज़ 1558 to 1603। 1558 पर एलिजाबेथ जो फर्स्ट थी वो क्वीन बनी थी इंग्लैंड की और वो 1603 तक रही थी। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज इज ऑन योर स्क्रीन, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हु यूज द फ्रेज स्टिल वैग्स बरमुदाज फॉर द इमॉर्टल पेजेस ऑफ हेक्लूट। दोस्तों ये फ्रेज इस्तेमाल किया गया है स्टिल वैग्स बरमूड फॉर द इमॉर्टल पेजेस ऑफ हेक्लूट। ऑप्शंस आर सर थॉमस यट, रिचर्ड क्रेशियो, विलियम शेक्सपियर, साइरल टर्नर। तो दोस्तों ये करेक्ट आंसर इज सी, विलियम शेक्सपियर। जी हाँ दोस्तों, विलियम शेक्सपियर ने ये फ्रेज का इस्तेमाल किया है। बरमूड्स का मतलब यहाँ पर बरमूडा के लिए इस्तेमाल हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बरमूडा जो ग्रुप ऑफ आइलैंड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और ये दोस्तों द टेम्पेस्ट में इन्होंने इसे इस्तेमाल किया है, ये याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर टू। बिटवीन 1590 and 1593 द थिएटर वर क्लोज्ड ओइंग टू। दोस्तों 1590 और 1593 के बीच जो थिएटर क्लोज हो गए थे, बंद हो गए थे, उनका क्या कारण है? दोस्तों पहले से ही क्वेश्चन पेपर पर कुछ टिक लगे हुए हैं, निशान लगे हुए हैं, आप उन पर ध्यान मत दीजिएगा। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए और ऑप्शन आपको देखिए, इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन हम आपको सारी बता देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे दोस्तों। चलिए ऑप्शन हैं आपके स्क्रीन पर, डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय द एलिट्स, डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय द पीपल, एक्टर्स एंड नाइट्स। दोस्तों इसका सही आंसर सी है। और आपको एक बात और पता होगी 1593 के बारे में, 1593 में प्लेग भी आ गया था दोस्तों। जी हाँ, ड्यू टू दिस प्लेग ऑल द थिएटर्स वर क्लोज्ड। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटी ड्रामेटिक बुक ऑफ एलिजाबेथन पीरियड वाज। एलिजाबेथन पीरियड में जो सबसे ज़्यादा एंटी ड्रामेटिक बुक लिखी गई है उसका नाम आपको बताना है। सिडनी की एपोलॉजी फॉर पोएट्री, स्पेंसर द शेपर्ड्स कैलेंडर, और थर्ड है गॉसन स्कूल ऑफ एब्यूज, डंस सीडियोमेट्रे। तो दोस्तों इसमें हम देख लेते हैं, सबसे पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर दोस्तों है सी, गॉसन्स स्कूल ऑफ एब्यूज। स्टीफन गॉसन के बारे में बात कर लेते हैं, एंटी थियोरेटिकल राइटर हैं और स्कूल ऑफ एब्यूज जो इनकी आई थी वो दोस्तों 1579 में आई है। इसका पूरा नाम है स्कूल ऑफ एब्यूज कंटेनिंग अ प्लीजेंट एनवेक्टिव अगेंस्ट पोएट्स, पाइपर्स, प्लेयर्स, जेस्चर्स एंड सच लाइक कैटरपिलर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ। 1579 में बुक आई थी दोस्तों। ये बुक याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और इसी के जवाब में, इसी के रेस्पॉन्स में सिडनी ने लिखी थी एपोलॉजीज फॉर पोएट्री, ठीक है, या पोइजी। चलिए दोस्तों लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर ऑन योर स्क्रीन। दोस्तों ऑप्शन दिए हैं खुडी, कॉलिन क्लाउट एंड पेरीगॉट आर द पेस्ट्रल कैरेक्टर्स इन। दोस्तों ये तीन कैरेक्टर आपके स्क्रीन पर हैं क्वेश्चन में, और पूछा गया है ये कैरेक्टर्स कहाँ आते हैं। जॉनडन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सोल, एडमंड स्पेंसर प्रोथेलेमियन, एडमंड स्पेंसर शेपर्ड्स कैलेंडर, और जॉर्ज गैस्कॉइन्स द स्टील ग्लास। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ,
सी आंसर सही है दोस्तों, एडमंड स्पेंसर द शेपर्ड्स कैलेंडर। आइए दोस्तों शेपर्ड्स कैलेंडर के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसका जो चौथा हमारा क्वेश्चन है, शेपर्ड्स कैलेंडर सबसे पहले किस ईयर में आई थी? ये 1579 में दोस्तों ये आई है। इसमें 12 पार्ट्स में इन्होंने ये डिवाइड की थी, एंड दीज 12 पार्ट्स वर नेम्ड आफ्टर 12 मंथ्स इन अ ईयर। एक साल में जो हमारे 12 मंथ होते हैं उन्हीं के ऊपर इन्होंने 12 पार्ट्स इसके दिए थे। और ये डेडिकेट किसे की थी दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इट वॉज डेडिकेटेड टू फिलिप सिडनी। या दोस्तों इसे लिख लीजिएगा, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इट वॉज डेडिकेटेड टू सर फिलिप सिडनी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द बुक सेवेंथ ऑफ द फेरी क्वीन वॉज पब्लिश्ड इन 1589, 1596 आफ्टर स्पेंसर डेथ और बिफोर 2 ईयर्स ऑफ स्पेंसर डेथ। दोस्तों फेरी क्वीन बहुत इंपॉर्टेंट है, फेरी क्वीन के बारे में जान लेते हैं। जो फेरी क्वीन है हमारी दोस्तों, इसका जो पब्लिकेशन हुआ है 1590 और 96 के बीच में 6 बुक्स पब्लिश हुई थी, और इसकी जो सेवेंथ बुक है वो बाद में पब्लिश हुई है। तो दोस्तों आप इसे ऐसे इसे लिख लीजिए, 1590 में फर्स्ट 3 बुक्स इसकी पब्लिश हुई थी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 1596 में इसकी फोर्थ टू सिक्स्थ, ये 3 बुक इसकी पब्लिश हुई थी दोस्तों। एंड द सेवेंथ वन विच इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, द सेवेंथ बुक वॉज पब्लिश्ड, सेवेंथ बुक इट वॉज पब्लिश्ड इन 1609। जी हाँ दोस्तों, जो सेवेंथ थी, तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो सी विल बी योर करेक्ट आंसर, आफ्टर स्पेंसर डेथ। तो दोस्तों ये ज़रूर याद रखिएगा, ये जो 6 पब्लिश हुए थे इसके पार्ट, देवर पब्लिश्ड व्हेन राइटर स्पेंसर वाज अलाइव। 1590 में 3 पार्ट पब्लिश हुए थे, 15 आफ्टर 6 ईयर्स, रेस्ट 3 पार्ट्स वर पब्लिश्ड, एंड सेवेंथ पार्ट वाज पब्लिश्ड आफ्टर हिज डेथ इन 1609। चलिए दोस्तों अब इसके बारे में एक चीज़ और इम्पोर्टेंट हम ध्यान रखते हैं। एक दोस्तों स्पेंसेरियन स्टेंजा का आपने नाम सुना होगा, इट वॉज इन्वेंटेड बाय स्पेंसर इन द सेम पोएम, एंड इट इज़ अ 9 लाइन स्टेंजा, 8+1 लाइन इसमें हम इसमें होता है, इसका जो फॉर्मेट है 8 iambic pentameter लाइन आर फॉलोड बाय अ सिंगल एलेक्जेंड्राइन। और ये जो एलेक्जेंड्राइन होती है, जो हमारी एक लाइन है लास्ट की, इट इज़ एन एम्बिक हेक्सामीटर। जी हाँ दोस्तों, ये जो 8 लाइन्स है ये एम्बिक पेंटामीटर में होती हैं, और एम्बिक में हमने बताया था, इसे याद करने का हमने एक फार्मूला है, USA व्हेन अनस्ट्रेट सिलेबस इज फॉलोड बाय एन स्ट्रेस्ड सिलेबल, इट इज़ USI से इसे हम याद कर लेते हैं, इट इज़ एम्बिक, ठीक है दोस्तों। अनस्ट्रेस्ड सिलेबल के बाद, ऐसे हम दोबारा बता देते हैं, अनस्ट्रेस लेवल के बाद जब भी स्ट्रेस लेवल आएगा तो इट इज़ नॉन एज एम्बिक, ठीक है दोस्तों। और एम्बिक यहाँ पर पेंटामीटर का इस्तेमाल हुआ है। दोस्तों अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं और हमारे क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहाँ पर हमने स्पेंसेरियन, चौसेरियन स्टेंजा, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की एक MCQ सीरीज़ है जो आप देख रहे हैं अभी, उसकी दूसरे 2 वीडियोस ऑलरेडी वहाँ पर हमने पोस्ट कर दिए हैं। और दोस्तों TGT, PGT, GIC, LT, GDC, NET, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। कोई क्वेरी अगर आपकी है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का PDF भी आपको मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑन योर स्क्रीन। हु लिव्ड इन आयरलैंड फॉर 18 ईयर्स एंड सर्विंग द इंग्लिश गवर्नमेंट इन मोर देन 1 कैपेसिटी, जिसने बहुत सारे पदों पर अलग अलग काम किया है, और वो व्यक्ति कौन है जो 18 साल तक कहाँ रहा था दोस्तों, आयरलैंड में रहा है। थॉमस कैव्यू, जॉन डन, एडमंड स्पेंसर, विलियम शेक्सपियर। दोस्तों योर करेक्ट आंसर इज एडमंड स्पेंसर, सी। इन जुलाई 1580 स्पेंसर सेंड टू आयरलैंड। दोस्तों 1580 में इन्हें आयरलैंड भेज दिया गया था, ठीक है। और याद रखिएगा, टिल हिज डेथ ही वॉज देयर, इन बिटवीन ही केम टू इंग्लैंड टू पब्लिश हिज फेमस बुक फेयरी क्वीन, ठीक है दोस्तों।
ये आपको याद रखना है। ही वॉज बरीड इन पोएट्स कॉर्नर इन वेस्ट मिनिस्टर एबे, ये भी याद रखना। इनकी मृत्यु लंदन में हुई थी 1599 में, ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। ही वॉज डाइड इन लंदन, ठीक है, एंड ही वॉज बरीड इन पोस्ट पोएट्स कॉर्नर इन वेस्ट मिनिस्टर एबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फॉर हुम्स डेथ बेन जॉनसन स्टेटेड द फ्रेज फॉर लैक ऑफ ब्रेड, किसके बारे में बेन जॉनसन ने ये कहा था कि वो रोटी की कमी की वजह से मर गया, यानी गरीबी में, भुखमरी में उसकी मृत्यु हुई। सर थॉमस एड, जॉन डन, एडमंड स्पेंसर, एंड्री मार्वल। योर आंसर इज सी, एडमंड स्पेंसर। जी हाँ दोस्तों, एडमंड स्पेंसर के बारे में एलिजाबेथन एज के दूसरे फेमस राइटर बेन जॉनसन, उन्होंने कहा था ही वॉज डाइड फॉर द लैक ऑफ ब्रेड, वो रोटी की कमी की वजह से मर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, विच वॉज द फर्स्ट प्ले इन सैनिकन फॉर्म। दोस्तों पूछा गया है सैनिकन फॉर्म में कौन सा प्ले था, गॉर्बोडक, द ओल्ड वाइफ्स टेल्स, डॉक्टर फॉस्टस, कैंपेसस, कैंपास पे, ठीक है दोस्तों, तो आपको इसका आंसर बताना है। जी हाँ दोस्तों, करेक्ट आंसर इज ए, गॉर्बोडक। गॉर्बोडक के बारे में थोड़ी सी और चीज़ें हम जान लेते हैं दोस्तों। इट इज़ नोन एज द फर्स्ट ट्रेजेडी, दोस्तों ये फर्स्ट ट्रेजेडी के तौर पे भी जानी जाती है, इंग्लिश में लिखी हुई है। और एक चीज़ और याद रखना है, आपने ब्लैंक वर्स का नाम सुना है। जी हाँ दोस्तों, ब्लैंक वर्स का जो सबसे पहली बार यूज़ हुआ था फॉर ड्रामा, ड्रामा लिखने के लिए, जो बाद में आगे चलकर जिसका मार्लो ने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, शेक्सपियर ने बहुत उसे किया है, मार्लोज माइटी लाइन्स भी कहा बेन जॉनसन ने जिसे, वो ब्लैंक वर्स सबसे पहले अगर इंग्लिश में किसी प्ले में यूज़ हुई थी तो दैट इज़ गॉर्बोडक। फेरेक्स फॉरेक्स इसका जो है दूसरा नाम भी है, या सब टाइटल कह सकते हैं, एंड इट वॉज पब्लिश इन 1561। जी हाँ दोस्तों, दो चार चीज़ें इससे जुड़ी हुई आपको पता लग गया है। सैनिकन फॉर्म है, सैनिकन मतलब रिवेंज ट्रेजेडी एक तरीके से हम कह सकते हैं। सैनिकन जो है, सैनिका राइटर थे दोस्तों, रोमन फिलोसोफर भी हैं, ट्रेजेडी ये लिखते थे, और रिवेंज ट्रेजेडी बेसिकली इनकी जो फॉर्म है, और इसे सबसे पहले इंग्लिश में जो था कॉपी किया गया गॉर्बोडक के फॉर्म में, और ब्लैंक वर्स से, ब्लैंक वर्स की जो शुरुआत हो गई थी, ठीक है, ड्रामा में। ये चीज़ इंपॉर्टेंट सारी इससे रिलेटेड थी जो हमने आपको बता दी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हु बिगेन द ट्रेडिशन ऑफ द रिवेंज प्ले। असल मायनों में जो रिवेंज प्ले की स्टार्टिंग अगर इंग्लिश लिटरेचर में किसी ने की है तो वो कौन है, जॉर्ज पील, सैमुअल डैनियल, फिनिस फ्लेचर, थॉमस किड। तो दोस्तों योर आंसर इज डी, आपने नाम सुना होगा द स्पेनिश ट्रेजेडी का। इट वॉज रिटन बाय किड, ठीक है दोस्तों, किड ने लिखा था। इट वॉज फर्स्ट परफॉर्म इन 1592। 1592 में स्पेनिश ट्रेजेडी जो लिखी थी वो थॉमस किड ने लिखी थी, एंड इट सेट द ट्रेडिशन ऑफ अ रिवेंज प्ले इन इंग्लिश लिटरेचर। दोस्तों ये जो थॉमस किड हैं, ये यूनिवर्सिटी विट्स के इंपॉर्टेंट राइटरों में से एक हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन। हु वर वेरी मच फाउंड ऑफ द ग्रेट फिगर्स लाइक मोहम्मद एंड टिम्बरलेन फॉर हीरोइक थीम। मोहम्मद और टिम्बरलेन किसकी थीम हुआ करती थी, ऑल पोस्ट ऑस्ट्रेलियन ड्रामेटिस्ट, थॉमस कैम्पियन एंड सैमुअल डैनियल, यूनिवर्सिटी विट्स, या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो सी है, यूनिवर्सिटी विट्स के फेमस जो थीम्स हुआ करती थी। टिम्बरलेन द ग्रेट आपको पता होगा, क्रिस्टोफर मार्लो का एक फेमस प्ले है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑन योर स्क्रीन। ऑलमोस्ट द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द राइटर्स ऑफ रियल कॉमेडीज इन प्री शेक्सपियरियन ड्रामा। दोस्तों अगर प्री शेक्सपियरियन ड्रामा की हम बात करें तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी विट्स हमारे सामने आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब प्री शेक्सपियरियन में यूनिवर्सिटी विट्स आ जाते हैं, उसमें जो कॉमेडी के लिए जाना जाता है, जो नाम, एक नाम ऐसा है जिसने सिर्फ कॉमेडीज़ लिखी हैं और कॉमेडीज़ के लिए ही फेमस है, वो नाम होता है दोस्तों जॉन लिली का, एंड जॉन लिली इज़ नॉन फॉर इज रियल कॉमेडीज़, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, जॉन लिली इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। चलिए दोस्तों आगे बढ़ देते हैं। जॉन लिली का टाइम पीरियड अगर आप लिखना चाहें तो लिख लेते हैं, 1553 से लेकर 1606, ठीक है, और ये ट्रेजेडी के लिए जाने जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, द वुमेन इन द मून गिव्स अस द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ रोमांटिक कॉमेडी। रोमांटिक कॉमेडी का जो फर्स्ट एग्जाम्पल कहीं हमें देखने को मिलता है दोस्तों, तो उसका नाम है द वुमेन इन मून, और ये वुमेन इन मून जो है ये जॉन लिली ने लिखा था दोस्तों। जी हाँ, इट इज़ रिटन बाय जॉन लिली,
जॉन लिली ने जो लिखा था ये ब्लैंक वर्स में लिखा है दोस्तों, प्ले बेसिकली ब्लैंक वर्स में लिखते नहीं थे लेकिन ये प्ले इनका ब्लैंक वर्स के लिए जाना जाता है। और दोस्तों जॉन लिली को यूफिज्म के लिए भी जानते हैं, यूफिज्म का जो द एनाटॉमी ऑफ विट था, इनका जो वर्क था, अगर हम इनकी बात करें दोस्तों जॉन लिली की हम बात करते हैं, यूफिस जो था एनाटॉमी ऑफ विट 1578 में, यहीं से यूफिज्म आया था। ठीक है, किसी बुरी बात को अच्छे ढंग से कहने का जो तरीका था, यूफिज्म उसे कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है, देख लेते हैं। द ओल्ड वाइफ्स टेल, अ क्लेवर सटायर ऑन द पॉपुलर ड्रामा ऑफ द डे, वॉज रिटन बाय। ओल्ड वाइफ्स टेल जो दोस्तों, इसे 1595 में ये वर्क आया था, और ये किसने लिखा था दोस्तों, ये लिखा था जॉर्ज पेल ने। दोस्तों अब मैं सिर्फ आपका, ताकि समय ज़्यादा वेस्ट ना हो, जो करेक्ट ऑप्शंस हैं मैं उसी पर ज़्यादा फोकस करूँगा, और जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगेंगी वो मैं आपको साथ साथ बता रहता रहूँगा। तो आप ये लिख सकते हैं द ओल्ड वाइफ्स टेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट ग्रीन हु इज सेड टू हैव डायड आफ्टर एन ऑर्जी इन द लंदन एल हाउस, रॉट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज। दोस्तों रॉबर्ट ग्रीन ने इनमें से कौन सा प्ले लिखा था, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। द वाउंड्स ऑफ द सिविल वार, एल्फोंसस किंग ऑफ एरागन, कॉर्नेलिया, द जी ऑफ माल्टा। तो दोस्तों 14 का जो आंसर है ये आपका है ए। जी हाँ दोस्तों, ए इज़ योर आंसर। इनकी जो डेथ हुई थी वो लंदन में हुई थी, एक ऑर्जी में हुई थी। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कैम्ब्रिज के स्कॉलर हैं और इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी विट्स राइटर हैं। चलिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा दोस्तों इस पर टिक। ये हर जगह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, नेट, GIDC, GIC, TGTP, GT, UPSC। थॉमस नैश द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, जी हाँ दोस्तों ये याद रखिएगा। और इसका जो सबटाइटल है द लाइफ ऑफ जैक विल्सन 1594। अ प्रोज टेल इज इम्पॉर्टेंट, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इन द डेवलपमेंट ऑफ द नॉवल, ट्रेजेडी, सटायर और हीरोइक प्ले। दोस्तों अगर ये सबसे पहले नॉवल का जो, एक तरीके से कह सकते हैं पिकासक्यू नॉवल का जो स्टार्टिंग हुई थी, तो इसी नॉवल से उसे माना जाता है। पिकारेस्क्यू नॉवल इज़ अ जर्नी ऑफ अ लॉ कैरेक्टर, सोशल, दोस्तों लोअर क्लास से बिलोंग करने वाला एक कैरेक्टर पिकारेस्क्यू नॉवल होता है, उसके एडवेंचर उसमें दिखाए जाते हैं। जैसे डॉन क्विजिटो इसी का एक एग्जाम्पल है, डिकेंस का पिकविक पेपर्स इसी का एग्जाम्पल है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 ऑन योर स्क्रीन। थॉमस लॉज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली सर्वाइविंग प्ले एंटायरली हिज ओन। थॉमस लॉज का कौन सा ऐसा वर्क है जिसे जो आपको देखने के लिए मिल जाता है, रोजालैंड, ऑरलैंडो, फ्योरियोसो, हेनरी VI, द वाउंड्स ऑफ द सिविल वॉर। तो दोस्तों जो हमारा इसका 16 का आंसर है, 16 का आंसर हमारा ए है, रोजालैंड यूफियस गोल्डन लेगेसी। लेगेसी मतलब दोस्तों विरासत होता है। अ प्रोज रोमांस, ये क्या है दोस्तों, रोमांस है, प्रोज है, रोमांस है, लॉज के द्वारा लिखा हुआ है, थॉमस लॉज का। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। थॉमस किड कॉर्नेलिया 1593 इज अ ट्रांसलेशन फ्रॉम, ये जो थॉमस किड का वर्क है दोस्तों ये एक ट्रांसलेशन है, और ये ट्रांसलेशन कहाँ से आया है दोस्तों, अगर हम इसमें देखते हैं दोस्तों, ये जो हमारे राइटर हैं रॉबर्ट गैरनियर, एक फ्रेंच ड्रामेटिस्ट हैं और पोएट हैं, उन्होंने वर्क लिखा था कॉर्नेलिया, उसी का इन्होंने ट्रांसलेशन किया है। तो दोस्तों हमारा जो ए आंसर है वो इसका ठीक है, सोफोक्लीज मॉरेलिटी प्ले कुछ नहीं है, द फ्रेंच सेनिकन, गैरनियर जो इनके राइटर का नाम है रॉबर्ट गैरनियर, इनका एक वर्क था जिसे इन्होंने कॉपी या किया था, या कह सकते हैं ट्रांसलेट किया था। जी हाँ दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हमने ये बता दिया है आपको, ये फ्रेंच राइटर थे दोस्तों, फ्रेंच से इन्होंने इसे कॉपी किया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। रिगार्डिंग इज यूज ऑफ ब्लैंक वर्स, हु कॉइंड द फ्रेज मार्लोज माइटी लाइन। दोस्तों फटाफट से इसका आंसर कीजिए, मैंने इसका पहले आंसर बताया था। जी हाँ एग्जैक्टली सी, बेन जॉनसन इज द करेक्ट आंसर। बेन जॉनसन ने कहा था मार्लोज माइटी लाइन। और दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन ये भी है, अगर आप ये बता सकते हैं ये इन्होंने कब कहा था और कहाँ कहा था, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, नहीं तो वीडियो में आगे या लास्ट में हम इसका आंसर आपको ज़रूर दे देंगे। और
आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लैंक वर्स के लिए। मार्लो ने ब्लैंक वर्स को बहुत अच्छे से अपने सभी ड्रामास में यूज़ किया है, तो जो बेन जॉनसन थे उन्होंने इसके लिए कहा था, ये मार्लोज माइटी लाइन है, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द मार्लोज ड्रामा और राइटिंग स्टाइल। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर आ जाता है। एथामोर द सेकेंड विलन अपीयर्स इन, एक एथामोर नाम का कैरेक्टर है और ये विलन है, और ये कौन से प्ले में आ जाता है? मार्लो द ज्यू ऑफ माल्टा, मार्लोस चैम्बरलाइन द ग्रेट, किड का स्पेनिश ट्रेजेडी, या मार्लोस का एडवर्ड सेकेंड। तो दोस्तों ज्यू ऑफ माल्टा, ज्यू ऑफ माल्टा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 1589-90 में ये प्ले आया था दोस्तों। इसके जो मेन कैरेक्टर है बैराबेस, ज्यूइश मर्चेंट था वो, ठीक है दोस्तों, और उसी को इन्होंने फिर उनको इन्हीं का एक सर्वेंट था एथामोर। तो दोस्तों एथामोर को अगर देखें तो स्लेव के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। तो ये जी ऑफ माल्टा में था और हीरो जो मेन कैरेक्टर है उसका ये स्लेव दिखाया गया है, ये दोस्तों याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ऑन योर स्क्रीन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वॉज लेफ्ट अनफिनिश्ड बाय क्रिस्टोफर मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो ने कौन सा जो उनका वर्क था वो अधूरा छोड़ दिया था? द ट्रेजेडी ऑफ डीडो, क्वीन ऑफ कैर्थेज, कार्थेज, द मैस्कर और एट पेरिस, एडवर्ड सेकेंड, या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों मैसेकर एट पेरिस मतलब नरसंहार जो हुआ था पेरिस में, ये जो इनका वर्क है बी, ये इनका अधूरा रह गया था। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एक लाइन दी है, दैट आई हैव सेंट फ्रॉम सेंडरी फाउंटेन फील्ड्स टू स्प्रेड माई फेम थ्रू हेल एंड अप टू हेवन, मार्लोज रोड दीज लाइन इन, मार्लो ने कहाँ पे ये लाइन लिखी है? दोस्तों आंसर इज टेम्बरलैन द ग्रेट। और टेम्बरलैन ग्रेट दोस्तों दो पार्टों में, अगर आपको पता हो तो ये जो है पार्ट वन की लाइन्स है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, नोट कर लीजिएगा ये पॉइंट। एक्ट फिफ्थ का सीन फर्स्ट है दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपका। टेम्बरलैन द ग्रेट वॉज पब्लिश इन टू पार्ट्स एंड दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पार्ट वन एक्ट फिफ्थ सीन फर्स्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 ऑन योर स्क्रीन, सर फिलिप सिडनी द डिफेंस ऑफ पोइजी वॉज पब्लिश इन, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है ये डिफेंस ऑफ पोइजी, मैंने पीछे भी से बता दिया था, गौसन के रिप्लाई में इन्होंने लिखा था, और ये कब पब्लिश हुआ है आपसे पूछा गया है, पब्लिशिंग ईयर। तो दोस्तों जो इसका पब्लिशिंग ईयर है वो आपके स्क्रीन पर है 1595, और ये लिखा कब गया था? इट वॉज रिटन अराउंड 1580, जी हाँ 79 में गौसन की आई थी, ठीक है, गौसन की बुक आ गई थी स्कूल ऑफ एब्यूज़, और उसी के नेक्स्ट ईयर ऑलमोस्ट इन्होंने लिख दिया था इसे। और एक चीज़ और है, जो गौसन ने वो जो बुक थी उनकी वो किसे डेडिकेट की थी? जी हाँ दोस्तों, गौसन ने स्कूल ऑफ एब्यूज़ डेडिकेटेड की थी फिलिप सिडनी को, और फिलिप सिडनी की जिम्मेदारी बनती थी उसका जवाब दें, एंड इन द रेस्पॉन्स ही रॉट द डिफेंस ऑफ पोएजी। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता देता हूँ, इसे डिफेंस ऑफ पोएजी को एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री भी कहा जाता है। 1580 में इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था, पब्लिश हुई थी 1595 में, जी दोस्तों जो इसका आंसर भी है, रिप्लाई टू द स्टीफन गॉसन्स द स्कूल ऑफ एब्यूज़ 1579 में जो आई थी, और उन्होंने इसे ही डेडिकेटेड की थी। ये फेमस कॉर्टियर हैं, स्कॉलर हैं, सोल्जर हैं, इनके बारे में हम जानते ही हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 23 इंपॉर्टेंट है, आसान है आपके लिए, अब आप इसे बता देंगे। सिडनीज डिफेंस ऑफ पोएजी इज़ अ प्रोज एसे विच आंसर्ड, किसका जवाब था ये? जी हाँ दोस्तों, विदाउट एनी डाउट ए इज़ द करेक्ट आंसर, स्टीफन गोसन द स्कूल ऑफ एब्यूज़ एंड इट केम इन 1579, अब तो ये याद ही हो गया होगा आपको, एंड इट वॉज डेडिकेटेड टू सिडनी। जी हाँ दोस्तों, अब ये आपको इसमें ये ध्यान रखने की बात है, और ये सिडनी को इन्होंने डेडिकेट की थी, और सिडनी ने इसके रिप्लाई में से लिख दिया था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फर्स्ट लॉन्ग प्रोज वर्स पेस्ट्रल रोमांस इन इंग्लिश रिटन फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ द लव प्लॉट एंड द फीमेल कैरेक्टर्स इन फिक्शन। तो दोस्तों कौन सा था जो वर्स उस समय, देखो दोस्तों एलिजाबेथन एज में जो थे, या तो ड्रामा लिखा जा रहा था या सोनेट्स या पोएट्री, ठीक है, उस समय जो रोमांस लिखे गए, यानी एक तरीके से कह सकते हैं जो नोवेल का बेस बनने वाला था आगे चल के, पेस्ट्रल रोमांस जो था वर्स प्रोज प्रोज वर्स, ठीक है दोस्तों, कंबाइंडली मिलाकर लिखा गया था, वो कौन सा वर्क है? फिलिप सिडनी का था द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक्स आर्केडिया। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24, और ये कब आया था दोस्तों?
1585 में ये वर्क आया था, इसे याद रखिएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। सर फिलिप सिडनी एस्ट्रोफेल एंड स्टेला ब्रॉट आउट इन 1591, उसमें बताना है कि क्या था सीक्वेंस ऑफ 108 सोनेट्स, 208 सोनेट्स, 350, 1350। ओ माय गॉड, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। स्ट्रोफेल एंड स्टेला जो था इनका वर्क था दोस्तों, जी हाँ, 108 इसमें सोनेट्स थे, बिल्कुल करेक्ट हैं। 16 सॉन्ग्स भी थे दोस्तों, प्लस 16 सॉन्ग्स। अगर आज के टाइम में ये क्वेश्चन आता है तो दोनों चीज़ें पूछ ली जाती हैं, एल्स आपसे पूछ लिया जाएगा 108 सोनेट्स हैं और सॉन्ग्स कितने थे, तो आपको पता होना चाहिए। दिस कंटेन्स एस्ट्रोफेल एंड स्टेला कंटेन्स 108 सोनेट्स प्लस 11 सॉन्ग्स विच केम इन 1591। ठीक है दोस्तों, एस्ट्रोफेल का मतलब होता है लवर ऑफ स्टार, याद रखिएगा, और स्टेला मतलब होता है स्टार, यानी स्टार का लवर। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। सर फिलिप सिडनी एस्ट्रोफेल एंड स्टेला इज इंस्पायर्ड बाय, इंस्पायर्ड बाय या डेडिकेटेड टू या किसके लिए इन्होंने लिखा था देख लेते हैं। पेनेलोप डेवरिक्स, सर वाल्टर रैले, फिलिप डी मॉर्ने, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इनकी जो लवर थी पेनेलोप, उन्हीं के लिए इन्होंने लिखा था, और पेनेलोप अगर हम देखें तो ये स्टेला को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, और जो सिडनी है वो खुद किसे करते हैं, स्ट्रोफेल को। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। पहले ही हमने बता दिया, अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। स्ट्रोफेल एंड स्टेला, स्ट्रोफेल हैज़ अ नेम, क्या होता है, लवर ऑफ स्टार या स्टार लवर, ये तो हमने पहले ही बता दिया आपको। ठीक है दोस्तों, स्टेला का मतलब भी बता दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 28 दोस्तों फिर से बता देता हूँ, स्ट्रोफेल मतलब होता है लवर ऑफ स्टार या स्टार लवर, स्टेला मीन्स होता है स्टार यहाँ पर। ठीक है, और मैंने ये भी बता दिया स्टार कौन है, स्टेला हो गई पेनेलोप, और स्टार कौन, लवर ऑफ स्टार कौन हो गए, फिलिप सिडनी हिमसेल्फ। नाउ कम्स द क्वेश्चन नंबर 29। इन द फर्स्ट फेज ऑफ हिज लाइफ ही वॉज एक्सट्रीमली अनपॉपुलर इन इंग्लैंड, अबाउट होम वी आर टॉकिंग, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अपने वो बहुत ही बदनाम रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वाल्टर रैले हैं, फिलिप सिडनी है, थॉमस नैश है। दोस्तों वाल्टर रैले वो जेल भी गए थे क्योंकि उन्होंने गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी कि क्वीन की मर्ज़ी के बिना, फिर उन्हें इस शर्त पर आज़ादी दे दी थी कि वो नई जगह घूमेंगे। तो दोस्तों उस समय पर ऐसा कर दिया जाता था, कैदियों को छूट दे दी जाती थी कि वो अपनी एक लंबी समुद्री यात्रा पर निकल जाते थे और वो नई जगह की तलाश करते थे, तो उनकी सज़ा माफ़ भी हो जाती थी। कुछ ऐसा ही इनके साथ भी हुआ था। तो वाल्टर रैले वो व्यक्ति हैं, और ये सोल्जर भी थे, स्पाई भी थे, राइटर भी थे। ठीक है दोस्तों, ये सीक्रेटली मैरिड टू एलिजाबेथन थ्रॉकमॉर्टन, और फिर ये सर्च सिटी ऑफ गोल्ड की सर्च पे भी निकल गए थे। तो ये सारी चीज़ें इनके बारे में हैं, और ये अनपॉपुलर थे काफ़ी, मतलब बदनाम थे एक तरीके से आप कह सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में मैं थोड़ा सा एक चेंज करना है। द हिस्ट्री ऑफ वॉर नहीं है दोस्तों, ये इट इज़ नॉट वॉर, द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। जी हाँ दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड जो इनका एक वर्क था, और उसमें इन्होंने लिखा था वो 5 बुक्स में, दोबारा से मैं लिख देता हूँ, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, और ये 5 बुक्स में आया था दोस्तों। जी हाँ, ये याद रखना। और ये कब लिखा था, जब ये जेल में थे, रिटन इन प्रिजन 1604 to 1610, ऑन विच वन वॉल्यूम वॉज पब्लिश्ड इज अ फेमस बुक बाय वाल्टर रैले की फेमस बुक है दोस्तों, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, इट वॉज पब्लिश्ड इन 5 बुक्स। और ये कब लिखी थी, जब ये जेल में थे, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्क है, इंपॉर्टेंट इनका, वाल्टर रैले का। हु इज़ कंसिडर्ड द अर्ली प्रोजेंटर ऑफ द नॉवल, प्रोजेंटर बोल देते हैं दोस्तों आरंभकर्ता, यानी शुरुआत किसने की थी। तो हमने थॉमस नैश के बारे में आपको बताया था दोस्तों, द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, द लाइफ ऑफ जैक विल्टन इनका वर्क था 1594-95 में जो आया था, हमने बताया था। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट पिकारेस्क्यू नॉवल ऑफ इंग्लिश, पिकारेस्क्यू का मतलब भी हमने बता दिया था, गरीब तबके से जो लोग होते हैं उनकी एक यात्रा दिखाई जाती है, दूरा पूरी यात्रा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32, पोएमटा, पोएमटा दोस्तों जो ये एक वर्क है, आप इसे कह सकते हैं लैटिन जो है, ये पोएम का लैटिन है, इंग्लिश में अगर इसे कहेंगे तो हम पोएम कहेंगे। ठीक है दोस्तों, और पोएमटा 1595 एन एडमायरेबल लैटिन वर्स कलेक्शन है एक्चुअली दोस्तों, ये इन्होंने कलेक्ट की थी, विच रिवील्स ऑटोबायोग्राफिकल डिटेल्स, इज रिटन बाय, इट वॉज रिटन बाय थॉमस कैंपेन। दोस्तों थॉमस कैंपेन ने इसे लिखा था, और ये पोमेटा वर्क है लैटिन, और इंग्लिश में क्या कहेंगे दोस्तों, पोएम कहेंगे। जी हाँ दोस्तों,
कुछ नाम आपको नए पहली बार सुनने को मिल रहे होंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट हैं। कई बार जो माइनर राइटर्स पे क्वेश्चन आते हैं, माइनर वर्क्स पे आते हैं, वो सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा डिटेल में आपसे नहीं पूछे जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा ये कलेक्शन है दोस्तों। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं और हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय में इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलती रहें। कमेंट बॉक्स में अगर आपका कोई डाउट है तो ज़रूर बताइएगा, और आने वाले टाइम में आप किस राइटर किस एज पर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों। योर अप्रिसिएशन इज़ आवर ओनली मोटिवेशन, आपकी जो आप हमें रेस्पॉन्स करते हैं वही हमें मोटिवेट करता है नई नई वीडियोज़ बनाने के लिए, इसलिए कमेंट करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33, जल्दी जल्दी हमें 50 क्वेश्चन कराने हैं दोस्तों, पूरा करते हैं। शेक्सपियर रोट इज पोएम वीनस एंड एडोनिस इन द पैटर्न ऑफ, दोस्तों जो वीनस एंड एडोनिस है, सबसे पहले तो इसका ईयर लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये पोएम है। चलिए थोड़ा सा और बता देते हैं, एडोनिस कौन से, एडोनिस सुनते ही आपके दिमाग में भी चले आ जाते हैं, जी हाँ जॉन किट्स के लिए उन्होंने एडोनिस नाम से क्या लिखा था, एलिजी लिखी थी। चलिए उसे थोड़ी देर के लिए अलग रखते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं 1593 में इनका ये लॉन्ग नैरेटिव पोएम है जो आया था दोस्तों, जी हाँ, एंड इट वॉज रिटन इन 6 लाइन स्टैंजा, तो दोस्तों ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता देते हैं, इसकी राइमिंग स्कीम आपको और बता देते हैं, ए बी ए बी सी सी, पॉज करके ज़रूर लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क है, और ये कहिए कि फर्स्ट वर्क जिन्होंने विलियम शेक्सपियर को फेमस बना दिया था एज ए पोएट, जी हाँ दोस्तों। सोनेट्स इनकी बाद में पब्लिश हुई थी, लेकिन इनकी जो पहली नैरेटिव पोएम थी वीनस एंड एडोनिस विच वॉज पब्लिश इन द ईयर 1593, इन दिस पोएम ही यूज द 6 लाइन स्टैंजा एंड द राइम स्कीम ऑफ द स्टैंजा इज ए बी ए बी सी सी, दोस्तों याद रखिएगा फर्स्ट पब्लिकेशन था इनका। और दोस्तों वीनस कौन है, गॉडेस ऑफ लव, जी हाँ दोस्तों वीनस कौन है, गॉडेस ऑफ लव, ठीक है दोस्तों। और एडोनिस है एक यंग हैंडसम मैन है जिस पर इनका दिल आ जाता है, ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं याद रख लीजिएगा। और एक अगर आप एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, इसमें डेडिकेटेड जो है ये अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, जी हाँ हेनरी वर्सले को ये दोस्तों पोएम डेडिकेटेड है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन एंड वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, द नेम ऑफ द शेक्सपियर बर्थ प्लेस, कहाँ पैदा हुए थे जी, सब सही जवाब है, सभी को पता है दोस्तों, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन ओवन कर लीजिएगा इसे, जी हाँ ऑन की जगह अपॉन ओवन, ठीक है दोस्तों, ए इसका करेक्ट आंसर है। और अगर मैं पूछूं तो क्या है, ये सभी को याद होगा 1564 में पैदा हुए थे और 1616 में इनकी डेथ हो गई थी, और अगर डेट की बात करें तो बहुत ही कॉमन है, आसान भी है, 23 अप्रैल इसी दिन आए थे और इसी दिन चले गए, बहुत ही सुखद या दुखद संयोग कह सकते हैं इसे, संयोग तो सुखद ही है, ठीक है, दुखद उनका जाना था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 ऑन योर स्क्रीन, हु अफर्म्ड दैट शेक्सपियर न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, किसने इनके बारे में कहा कि भैया ज़्यादा नहीं जानते थे, स्मॉल लैटिन और लेस ग्रीक, थोड़ा थोड़ा ज्ञान रखते थे, तो दोस्तों ये इनके मित्र भी थे, परम मित्र थे बेन जॉनसन, जिन्होंने काफ़ी तारीफ भी उनकी की है, बेन जॉनसन, जी हाँ दोस्तों बेन जॉनसन इसका करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 36 ऑन योर स्क्रीन, 1599 ए कलेक्शन ऑफ वर्स विद शेक्सपियर्स नेम ऑन द टाइटल पेज अपीयर्ड, आइडेंटिफाई द टाइटल, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इनके ड्रामास और बात करें इनके सोनेट कलेक्शन के अलावा तो ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, द पैशनेट पिलग्रिमेज, द रेप ऑफ द ल्यूक्रेस, वीनस एंड एडोनिस, नन ऑफ दीज, योर आंसर इज ए, जी हाँ पैशनेट पिलग्रिमेज। क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, 1599 ईयर ज़रूर लिख लीजिएगा, एन एंथोलॉजी ऑफ 20 पोएम्स कलेक्टेड एंड पब्लिश्ड बाय विलियम जेगर्ड, जी हाँ दोस्तों, और ये एट्रीब्यूटेड थी विलियम शेक्सपियर को, जिसमें 20 पोएम्स थी और कहा जाता है कि उसमें से 5 तो विलियम शेक्सपियर की थी, जी हाँ दोस्तों ये ज़रूर याद रखिएगा। पैशनेट पिलग्रिम किसने लिखा था या किसके नाम से छपी थी, शेक्सपियर के नाम से छपी थी 1599 में, और ये इट वॉज अ कलेक्शन ऑफ 20 पोएम्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी को पता है लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 1609 अ कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर सोनेट वॉज प्रिंटेड बाय, किसने प्रिंट किया था, थॉमस थॉप, बेन जॉनसन, जॉन शेक्सपियर, जॉन मास्टन, दोस्तों थॉमस थॉप ने इसे पब्लिश किया था, ठीक है दोस्तों। इसमें एक चीज़ ये याद रखना है कि ये 20 मई 1609 को पब्लिश हुई थी और फॉलोड बाय लॉन्ग पोएम लवर्स कंप्लेंट, जी हाँ दोस्तों इसमें सोनेट सभी को पता है कितनी सोनेट पब्लिश हुई थी, कितनी सोनेट इन्होंने लिखी थी, 154 सोनेट्स थी शेक्सपियर की,
जी हाँ दोस्तों, शेक्सपियर ने टोटल जो सोनेट्स लिखी थी 154 हैं, और उसमें इनके इसमें एक पोएम और आई थी, द लवर्स कंप्लेंट, द लॉन्ग नैरेटिव पोएम। चलिए दोस्तों, इसके बारे में वैसे तो सभी को पता है, लेकिन मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ। इसमें जो शुरू की 126 पोएम्स थी, वो मिस्टर डब्लू एच को डेडिकेटेड थी। ठीक है दोस्तों, 127 से 152 ये किसे डेडिकेटेड थी? डार्क लेडी को। और दोस्तों लास्ट की जो दो थी, 153 और 154, वो क्यूपिड को थी। क्यूपिड इज़ अ ग्रीक लव गॉड। जी हाँ दोस्तों, ये ज़रूर याद रखिएगा, 154 में से स्टार्टिंग वन से लेके 126 वर डेडिकेटेड टू मिस्टर डब्ल्यू एच। ठीक है दोस्तों, विलियम हर्बर्ट भी इन्हें बहुत से लोग कहते हैं, अर्ल ऑफ एम्ब्रॉक और या हेनरी वर्सले, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, दोनों बारे में जाता है। डार्क लेडी थी 27 से 52, और लास्ट की दो क्यूपिड लव गॉड को इन्होंने डेडिकेटेड की थी। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो इसके सोनेट से थे, हमने लगभग कोशिश की सभी आपको बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, शेक्सपियर्स कलेक्शन ऑफ सोनेट्स वॉज डेडिकेटेड टू अ सर्टेन मिस्टर डब्ल्यू एच एज बींग द ऑनलाइन बिगेस्ट ऑफ द सोनेट्स, द मोस्ट प्रोबेबल एक्सप्लेनेशन अबाउट द स्पेक्यूलेशन ऑफ द आइडेंटिटी हु वॉज ही। अंदाज़ा लगाते हैं तो किसे सबसे ज़्यादा करीब पाते हैं, जो दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया था, विलियम हर्बर्ट, अर्ल ऑफ पेम्ब्रॉक। सबसे ज़्यादा जो क्रिटिक्स का कहना है कि ये शायद, पर हैप्स, क्योंकि ये भी श्योर नहीं है दोस्तों, इसमें जो इन्होंने मिस्टर डब्ल्यू एच कहा कह दिया है, तो मिस्टर डब्ल्यू एच जो है, डब्ल्यू फॉर विलियम और एच फॉर हर्बर्ट, ये ऐसा इन्होंने अनुमान लगाया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने आपको बता दिया, द सेकेंड ग्रुप ऑफ शेक्सपियर सोनेट इज एड्रेस टू डार्क लेडी। तो दोस्तों, डार्क लेडी को पहले तो ये बताइए कि 127 से 152 ये सोनेट्स जो थी वो डार्क लेडी को थी, और डार्क लेडी का नाम जो हम सजेस्ट करते हैं, हम मीन्स क्रिटिक्स के बेसिस पे जो हमें पता है, वो है मैरी फिटन। जी हाँ दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि वो मैरी फिटन थी जिसके लिए इन्होंने डार्क लेडी कहा है, और जिसके लिए इन्होंने ये सोनेट्स लिखी हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 ऑन योर स्क्रीन, शेक्सपियर प्लेड द रोल ऑफ एडम एंड घोस्ट। दोस्तों, अपने किस प्ले में इन्होंने एडम का रोल प्ले किया है और घोस्ट का रोल प्ले किया है? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 का ए आंसर करेक्ट है, इसे याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज यू लाइक इट एंड हैमलेट रेस्पेक्टिवली। हैमलेट में दोस्तों इन्होंने घोस्ट का रोल प्ले किया था, और एज यू लाइक इट में इन्होंने एडम का रोल प्ले किया। चलिए दोस्तों, फर्स्ट फोलियो सभी जानते हैं, फर्स्ट फोलियो इज द कलेक्शन ऑफ प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर, इट कंटेन्स 36 प्लेज। जी हाँ दोस्तों, 36 आउट ऑफ 37। ठीक है दोस्तों, सभी को पता है टोटल 37 प्लेज लिखे हैं शेक्सपियर ने, उसमें से जो फर्स्ट फोलियो आया था 1623 में आया था, उसमें 36 प्ले थे। ठीक है दोस्तों, और आपको इसके बारे में जो हमें इम्पोर्टेंट आपको बताना है कि ये जो था, किसने लिखा था, किसने कलेक्ट किया था, तो दोस्तों इनके जो फेलो, एक तरीके से कहना चाहिए, एक्टर्स थे जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डल। दोस्तों ये दोनों नाम याद रखिएगा, ठीक है, जॉन हेमिंग्स और कॉन्डल। ठीक है, 36 प्ले थे, इन दोनों ने कलेक्ट किए थे इनके सारे प्लेज आउट ऑफ 37। इट वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1623 इन फर्स्ट फोलियो। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछ लिया इन्होंने कि जो भैया 36 थे, एक कौन सा छोड़ दिया था आपने, विच वन इज, तो इसमें जो इनका था पेरिक्लीस जो था दोस्तों, बी, पेरिक्लीस वॉज नॉट कलेक्टेड इन द फर्स्ट फोलियो, तो इट वॉज ओमिटेड फ्रॉम द फर्स्ट फोलियो, एज सो 36 प्लेज, दस 36 प्लेज वर पब्लिश इन द फर्स्ट फोलियो। दोस्तों और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ही फेमस कैरेक्टर है टॉबी बेल्च का, टॉबी बेल्च जो इनके कैरेक्टर है वो कहाँ पर आते हैं? दोस्तों ट्वेल्थ नाइट का जो कैरेक्टर है टॉबी बेल्च, ठीक है दोस्तों, इसका नाम, दूसरा नाम क्या है और इसे किस नाम से जाना जाता है? वॉट यू विल। ठीक है दोस्तों, 1601 और 2 के बीच में ये इन्होंने लिखा था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोमन प्लेज ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर के जो रोमन प्लेज थे उनका बेस क्या है? ग्रीक एंड रोमन मैथोलॉजीज, हीरोज, नॉर्थ ट्रांसलेशन ऑफ पुलट्रैक लाइव्स। दोस्तों पुलट्रैक लाइव्स का जो ट्रांसलेशन था, या रोमन मैथोलॉजी का हीरोशिप, या पेटोज कॉन्सेप्ट ऑफ रीजन। दोस्तों बी आंसर,
जो इनके पोल्ट्रैक लाइव्स थी, ट्रांसलेशन जो थी नॉर्थ का, वही इनका बेस होता था रोमन प्लेस का। जी हाँ दोस्तों, रोमन प्लेस का जो इनका बेस है वो नॉर्थ का ट्रांसलेशन है पोल्ट्रैक लाइव्स की। दोस्तों अगर हम बात करें पोल्ट्रैक लाइव्स की, तो ये इन्होंने जो ट्रांसलेशन आया था 1580 में आया था, ठीक है। और इसमें 48 बायोग्राफीज़ हैं दोस्तों, ऑलमोस्ट जो फेमस ग्रीक पर्सनैलिटीज़ हैं 48, और उसी को बेस बनाकर इन्होंने अपने रोमन प्लेस लिखे हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। दोस्तों हमने पहले भी कहा था, टिक पर ध्यान मत दीजिएगा, विच इज़ द लास्ट प्ले रिटन बाय शेक्सपियर। लास्ट प्ले को दोस्तों स्वान सॉन्ग भी बोल देते हैं, और ये क्वेश्चन आया भी है ऐसे, विच इज़ द स्वान सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर, दैट इज़ टेम्पेस्ट। जी हाँ दोस्तों, ए इज़ योर करेक्ट आंसर। अगर हम इसकी बात करते हैं लास्ट वर्क की, तो टेम्पेस्ट ए इज़ योर करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 46। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, क्या शानदार डायलॉग है। और ये लिया गया है दोस्तों हेमलेट प्ले से, और ये हेमलेट नहीं बोला है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 है, एजियस इज अ फेमस कैरेक्टर इन शेक्सपियर। एजियस जो है वो कौन से प्ले में लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, सी, मिड समर्स नाइट ड्रीम। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 48। एंड माई पुअर फूल इज हैंग्ड, नो 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 लाइफ, वाई शुड अ डॉग अ हॉर्स अ रैट हैव लाइफ, एंड दाउ नो ब्रीद एट ऑल। तो दोस्तों ये जो प्ले है, जो प्ले है जिसमें ऐसे ये हमने डायलॉग लिया गया है, ये है किंग लियर, और ये दोस्तों किंग लियर नहीं बोला है। और ये हम वीडियो के लास्ट में बढ़ गए हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 आ गया है। ही वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशियंट पोएट्स हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल। दोस्तों शेक्सपियर की तारीफ की है, और ये तारीफ के जो पुलिंदे बांधे हैं, किसने बांधे हैं, लैम, कॉलरिज, ड्रायडन या जॉनसन। दोस्तों जॉन ड्रायडन, फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है, इन्होंने ही इनके बारे में कहा है मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल, शेक्सपियर को कहा है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, कौन से वर्क में कहा है, एन एस्से ऑन ड्रामेटिक पोएजी। जी हाँ, 1668 में एस्से ऑन ड्रामेटिक पोएजी लिखा था, उसी में इन्होंने शेक्सपियर के लिए बात कही थी। दोस्तों टुडेज़ वीडियोज़ लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पीस पीस डस्ट दो नॉट सी माई बेबी एट माई ब्रेस्ट, दैट सक्स द नर्स एस्लीप, हु इज़ द स्पीकर ऑफ द डायलॉग, कैलियोपेट्रा इन एंटनी कैलियोपेट्रा। जी हाँ दोस्तों, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बिल्कुल यूनिक यूनिक से थे आपके लिए हम लेकर आए थे इस वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कोई क्वेरी आपकी हो तो उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे जो दो साथी तैयारी करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी हम आपको दे देंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्द फिर मिलेंगे, विल मीट यू सून विद अ न्यू वीडियो। हम नई वीडियो के साथ आपको फिर मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू सून।